सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो भैया के साथ दोबारा एक शूट कर रहे हैं। पहले हम बैडमिंटन का शूट ऑलरेडी कर चुके हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो भैया के पास एक इंट्रूडर भी थी। सो इंट्रूडर मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ भी रहा था, तो इसका भी एक ऑनरशिप रिव्यू करना बनता है, क्योंकि भैया ने काफ़ी अच्छे किलोमीटर इस पर भी क्लॉक किए हुए हैं। और ये पुराने वाला इंट्रूडर है जो लेटेस्टली आता था, मतलब उस टाइम पर, तो बहुत साफ मेंटेन किया हुआ है, नीट एंड क्लीन है, कोई स्क्रैच नहीं था टैंक के ऊपर। छोटी मोटी वारंटी ये चीज़ होती है, वो बेसिक चीज़ है। सो भैया ये 2009 मॉडल, जैसे आपने बताया, हाँ जी, कितना किलोमीटर चल चुका है? ये चला है 32,000। 32,000, 32,000 किलोमीटर चल गया। और जो कि बहुत अच्छा कंडीशन में बाइक है, कोई ऐसा नहीं है कि 2009 सिर्फ कहने में है, मतलब कोई लुक्स के मामले में। हाँ, वो तो दिख रहा है भैया, क्रोम भी प्रॉपर शाइन कर रहा है। इसके साथ खड़ा कर दो कोई भी बाइक तो उसको टक्कर देता है, कह सकते हैं। क्योंकि जनरली क्या है ना, जितने भी इंट्रूडर आप देखोगे, अलॉय पे आपको स्क्रैच मिलेंगे, या मास्टर सिलेंडर पे आपका पेंट चिप ऑफ मिलेगा, शॉकर का पेंट चिप ऑफ मिलेगा, इवन यहाँ का पेंट चिप ऑफ मिलेगा। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है इस बाइक के अंदर। तो बाइक अच्छी है, मेंटेन कर रखी है हर चीज को लेकर। बेसिक ग्रिप्स अभी इसकी चेंज होनी है, वो चलो ऑर्डर हो जाएंगी। सो भैया इंट्रूडर पे लोग बहुत कम स्विच करते हैं, हालांकि लोगों को पसंद है। इंट्रूडर के लिए भैया पहले तो बंदे की हाइट चाहिए 6 फुट की, बिल्कुल लो हाइट के बंदे जो इसपे, मतलब कम हाइट के ना इसपे, हाँ। तो उनसे जो संभला नहीं जाता रोड पे, बिल्कुल हैवी बाइक है, वेट भी ज्यादा है और वैसे भी थोड़ी बल्की है हार्ले की, सबसे सबसे मतलब बड़ा आता है फैट बॉय उसका। तो मैंने इसको ये बाइक मतलब के एक तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूजर बाइक है ये, बिल्कुल 30 सेकंड में 100 टच करती है ये, बिल्कुल करती है भैया। और एक इसमें ये ना कोई बेल्ट ड्राइव है ना चेन, ये शाफ्ट ड्राइव है, इसमें शाफ्ट आती है, ये सबसे बड़ा इसका वो है, मतलब इसको कोई, ये भी जैसे पहले हमने दूसरे बाइक का बताया कि मेंटेनेंस फ्री, ये भी अच्छा बाइक है। इसका एक इसमें दिक्कत है बाइक में, क्लच की, क्लच के साथ अगर आपने कुछ जबरदस्ती की, कुछ मतलब के क्लच के साथ कुछ भी उसको जबरदस्ती करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्लच का काम, वैसे भी क्लच का काम होता है गियर को शिफ्ट करने का, क्लच दबाया गियर शिफ्ट किया और छोड़ दिया, उसका कोई काम नहीं है। लोग लेके क्लच को ऐसे दबाते रहते हैं, धक्का करते हैं उसके साथ, तो फिर क्लच उड़ता है इसका, क्लच उड़ने के बाद इसका इंजन खुलता है, बिल्कुल खुलता है। तो बहुत लोगों को मैंने देखा है, और मैं तो अपनी बाइक किसी को चलाने के लिए भी नहीं देते इसी कारण से, बहुत अच्छी बात है। चलावा अलग अलग होता है, किसी का कैसे चलाइए जिसको पता ही नहीं है इसके बारे में, तो ये चीज़ है इसके बारे में। अच्छी बाइक है ऑल ओवर, माइलेज वगैरह भी अच्छी है, पर रोड प्रेजेंस इसकी बहुत है, जब लेके निकलते हैं रोड पे तो रोड प्रेजेंस के मामले तो इंट्रूडर की तो आज तक कोई बीट कर ही नहीं पाया। पर्सनली मुझे भी यही चीज इसकी पसंद है, हालांकि ये कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, आगे से साइड से किसी भी एंगल से मतलब कि एक नंबर बाइक है, पूरी चॉपर फील देती है, लुक सेक्शन का रियर टायर है इसके अंदर, और टायर्स भी इसके अंदर बढ़िया डला हुआ है, शाफ्ट ड्रिवन ये बाइक है। तो भैया तो ये जो बाइक है बेसिकली, हाँ जी, इंट्रूडर है, इसका मेरा क्वेश्चन ये था कि एक इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि बाइक अगर ये खड़ी रहती है काफी टाइम तक तो भी इसका क्लच चिपक जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ऐसा तो कभी, बाकी ज्यादा टाइम खड़ने तो नहीं दिया हमने, कुछ ना कुछ चलाते रहते, दूसरे तीसरे दिन स्टार्ट कर लिया, राउंड लगा लिए ऑफिस के आसपास ही। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा बहुत तो चलाना वो हर एक बाइक के लिए जरूरी है, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, जब लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको खड़ा करते हैं तो हर मशीनरी में दिक्कत आती है, बिल्कुल हर एक बाइक में, हर एक गाड़ी में दिक्कत। तो भाजी इसका मेंटेनेंस का क्या हिसाब किताब है, मेंटेन को क्या करना है, इसको इजी है या मुश्किल है, क्या है? इसको लिए हुए मेरे को 2.5 साल हो गए। अच्छा, तो 2.5 साल में आज तक मैंने तो कोई 1 रुपया भी इसके ऊपर लगाया नहीं है। अच्छा, जैसे ली सी ऐसे एज इट इज नहीं, जैसी है अभी इसकी सर्विस ड्यू है, इसकी भी ड्यू है, उसकी भी ड्यू है, तो अच्छा ये भी करवाऊंगा। तो सर्विस इसकी कितना पैसा लगता है सर्विस कराने में? 10,000 के आसपास लगता है। 10,000, और इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी है मार्केट में या नहीं है? अवेलेबिलिटी पूरी है, जो मर्जी जहां। अच्छा, जो चाहो मिल सकता, मिल जाता है, मिलती है एक्सेसरी इसकी, बार बार के मिलती है, आपको पता है एक्सेसरी के मामले में तो कोई भी बाइक जो है हर जगह मतलब नहीं, एक्सेसरी तो सर मतलब आफ्टर मार्केट चीज होगी वो मिल जाती है, बट मेरा कंसर्न है कि कोई पार्ट है। हाँ, पार्ट हर एक पार्ट अवेलेबल है ना मार्केट में। अच्छा, कोई ऐसा कोई मेजर कोई ब्रेकडाउन इस बाइक के साथ कभी आपके साथ हुआ हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्रॉब्लम इस बाइक के साथ कभी कोई आई हो, जैसे कि आपने बताया क्लच का प्रॉब्लम इसके साथ? क्लच की दिक्कत आती है, अदरवाइज कोई इशू नहीं। कोई शाफ्ट की, इसी से शाफ्ट ड्रिवन बाइक है तो शाफ्ट में कभी कोई प्रॉब्लम आई? नहीं, शाफ्ट में कभी कोई दिक्कत आती नहीं, इसीलिए तो वो बनाई है कंपनी ने, चीज ही ऐसी बनाई है कभी कोई दिक्कत आए ना। क्योंकि बहुत कम क्रूजर हैं जो कि इतने बड़े इंजन के साथ साथ जीरो वाइब्रेशन देती हैं, हाँ, और ये उनमें से एक है। हालांकि मैं रॉकेट की बात करूंगा, रॉकेट इतना बड़ा क्रूजर है, हाँ, उसमें भी जीरो वाइब्रेशन है। इंडियन की कुछ बाइक्स आती है, इंडियन की तो मैक्सिमम सभी बाइक में जीरो वाइब्रेशन है, और ये बाइक भी उनमें से एक है, जीरो वाइब्रेशन है। बट इसका एडवांटेज क्या है ना, ये लिक्विड कूल्ड है, इसके अंदर फैन देख सकते हो कितना बड़ा है, रेडिएटर का साइज बहुत बड़ा है, यूएसडी फोक्स के साथ आती है, और लुक्स में तो खैर इसको कोई बीट कर ही नहीं सकता। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बाइक को लेके आप बता रहे हो अच्छा रहा? बहुत ही अच्छा, इसको चलाने का तो मजा ही अलग है। और जैसे कि इसकी क्लच को मेंटेन करना, इसको क्लच का ध्यान रखना जिससे कि प्रॉब्लम ना करे, उसके लिए क्या प्रिकॉशन है?
क्लच, बस आपको बताया क्लच दबाओ, गियर शिफ्ट करो और छोड़ दो उसको प्यार से, बस बस और कुछ नहीं करना उसके साथ। अच्छा, कोई ऐसा झटका नहीं लगाना है, कोई मतलब कि जल्दी से नहीं कुछ करना उसको, और क्लच का काम सिर्फ दबाओ, गियर डालो और उसको छोड़ दो बस। इसका लाइफ टाइम क्लच नहीं मरता इसका। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि ये बाइक मैच्योर पर्सन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है चंडीगढ़ से, उसने ये बाइक नई ली थी, 2010 का मॉडल है उसके पास। अच्छा, उसने 1,00,000 किलोमीटर चला दिया बाइक। क्या बात कर रहे हो सर, और 1,00,000 में आज तक अभी उसका क्लच नहीं उड़ा। सर कमाल की बात है, 1,00,000 किलोमीटर ही चला चुके हैं वो ऑन मीटर। अगर कोशिश हुई तो मैं आपको मिलाऊंगा। हाँ पक्का सर, मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा। अगर ऐसी ऐसी बाइक है तो मैं ज्यादा ढूंढता हूँ जो ज्यादा किलोमीटर क्लॉक करी होती है। देखो बाइक हो या गाड़ी हो, इनकी लाइफ डिपेंड करती है, एक तो किस मैकेनिक के पास जाती है, कहाँ इनकी रिपेयर वगैरह कराते हो आप, और एक उसको रखने वाला कि किसका काम जो भी बाइक मांगती है उसको टाइम पे कराते हो या नहीं कराते हो। मेंटेनेंस इसकी, जो मेंटेनेंस लोग कई क्या करते हैं, चलती है चलाने दो, हल्की फुल्की कोई दिक्कत दे रही है नहीं ध्यान देते, तो छोटी सी दिक्कत जो है वो बड़ी में बदल जाती है फिर। बिल्कुल ये चीज़ है। हाँ जी, तो जैसे कि हम पंजाब में खड़े हैं, तो पंजाब में कोई प्रॉब्लम सर पार्ट्स वर्ट्स को लेके, सर्विस को लेके, तो सब अवेलेबल हो जाता है? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, हाँ, तो आप इसकी जनरली सर्विस कहाँ कराते हैं? बाकी जितना सुना है अभी कुछ भी उसका हो तो ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। इनका जो मैकेनिक्स हैं, प्रोफेशनल मैकेनिक हैं इनके सुपरवाइज के, तो वो ऑनलाइन पार्ट्स मंगाते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। नहीं, आप इसकी सर्विस कराते हैं तो वो मैकेनिक आप कहाँ, मतलब नॉन मिल जाते हैं अच्छे मैकेनिक आपको? मिल जाते हैं जी, मेरे दोस्त हैं दिल्ली में, उनसे करवाता हूँ जी मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। सो अभी तक आपने बताया कि कोई ऐसा मेजर तो कुछ नहीं, इसकी मेजर कोई ऐसा कोई फॉल नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम आपको कभी फील नहीं हुई? नहीं, अभी इसके एनओसी कटाली, अभी इसको पंजाब में रजिस्टर्ड करा लूंगा मैं। बिल्कुल, पंजाब रजिस्टर्ड हो जाएगा। पंजाब के तो एडवांटेज बहुत सारे हैं, इसकी 5 साल बढ़ जाएगी। हाँ जी, तो काफी सारे एडवांटेज है। कभी एग्जॉस्ट चेंज करने के बारे में नहीं सोचा आपने? एग्जॉस्ट इसका ठीक है, इसमें हल्के से होल कर रखे मैंने। अच्छा, इसके बैफल आउट है? हाँ, थोड़ा सा किया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। अच्छा अच्छा, इसके आपने छेद किए हैं तो उसकी वजह से स्टॉक का ये होता है कि मार्केट में चलते हैं तो पुलिस वगैरह पकड़ती है भाई, तो इसका चालान नहीं होता। स्टॉक है, इसको चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा, कभी आपको पुलिस ने रोका? ना, कभी नहीं। मैंने तो देखो आप कहीं नंबर प्लेट में लगी। अच्छा, एज इट इज विदाउट नंबर प्लेट दिल्ली जाता हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो भैया, एज इट इज हर जगह। क्या बात है, ये डेयरिंग भी हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि आज के डेट में तो कॉप्स इस बाइक को ज्यादा रोकते हैं। मैं भाई चलाता हूं इसको। क्या बात है भैया, भगवान की कृपा है, बस बचे हुए हैं कह सकते हैं। एक बार इसको स्टार्ट करके इसकी आवाज सुनाएंगे, क्योंकि ये बैफल आउट, जिसे आप बैफल आउट तो नहीं किया आपने, जो इसमें कस्टम किया हुआ है एग्जॉस्ट को लेके, तो उसकी आवाज कैसी है? बाकी बाइक सुंदर बहुत लग रही है देखने में। आवाज तो अच्छी है सर, आवाज तो मतलब अच्छी आ रही है, मतलब ना ज्यादा लाउड है ना ज्यादा कम है, बेसी थंप जो आना चाहिए वो आ रहा है इसके अंदर, बहुत अच्छा भी लग रहा है। बिल्कुल, तो ये चीज तो है इसके अंदर एडवांटेज। बाकी ओवरऑल बाइक तो सर मजा आ रहा है देखने में, मतलब बढ़िया लग रही है, नीट एंड क्लीन है। पहले बोला कि इसको कोई मतलब कोई है नहीं, इसका कोई तोड़ ही नहीं है रोड प्रेजेंस में। अच्छा, चलो बढ़िया। इसके अलावा कोई और स्टोरी आप इंट्रूडर को लेकर पब्लिक को शेयर करना चाहो? बस सही है, जिस जो भी मेरा भाई को लेना चाहता है इसको बाइक को, बस क्लच का खास ध्यान रखना है। एक तो किसी को ऐसा नहीं कि कोई भी मांगे, कोई यार दोस्त हो, कोई रिश्तेदार, कोई भी, तो उसको ये है कि मत दो उसको, इस चीज के बारे में बताओ भी क्यों नहीं दे सकते, नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है क्लच। बेसिकली भी इसका जो टायर है 250 का सेशन का हमें टायर आता है, ये आप कितने का डलवाते हो, इसमें कितने का रहता है टायर? ये टायर 50,000 का है। रियर टायर? हाँ जी। ये दोनों टायर की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, रियर। सर 50,000 का तो बहुत एक्सपेंसिव टायर, मतलब आप कहाँ से डलवा रहे हो टायर ये? अभी तो इसका सही है टायर, मैंने चलाया है ना बाइक में 2.5 साल में। अच्छा, क्योंकि इसमें पहले ही डला हुआ है, जैसे कि 5,000 किलोमीटर चलाया मैंने 2.5 साल। अच्छा अच्छा, हाँ जी। हाँ, और अभी तो टायर दोनों ही नए जैसे। हाँ, फ्रंट वाला तो बिल्कुल ही फाइन है, फ्रंट में भी इसमें पिरेली डला हुआ है। हाँ, पिरेली के। ये शायद मेरे साथ पेयर है भैया दोनों 50,000 का ऑलमोस्ट, रियर नहीं है, क्योंकि रियर का टायर साइज ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास, 30,000 का रियर आता है मेरे से, 50,000 का पेयर है, 40-45 का रियर है, रियर है ओनली रियर। हाँ जी। अच्छा, तो काफी एक्सपेंसिव टायर है मतलब इसका। वो ब्रांड भी तो डिपेंड करता है ना कौन से ब्रांड का है, जैसे पिरेली का है, दोनों साइड पिरेली का लगा हुआ है इसमें। एक सुना है कि इंट्रूडर के अंदर ब्रेकिंग की भी थोड़ी प्रॉब्लम है? नहीं, ब्रेक तक कभी कुछ कोई इशू आपको नहीं है। कभी कोई डिसबैलेंस मतलब क्योंकि विदाउट एबीएस आती है? मैंने 200 तक मतलब इसको आम चलाता हूँ। अच्छा, 150-200 बड़े आराम से इजीली चलता है, कभी कोई ब्रेकिंग का कोई इशू नहीं है, बड़े आराम से कंट्रोल होता है। एक अभी स्टार्टिंग में आपने मुझे एक बात बताई बहुत अच्छी लगी मुझे, कि ये बाइक अगर छोटी हाइट है तो उनको नहीं लेनी चाहिए, उनको नहीं लेनी चाहिए। हाँ, उनके लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। और कोई बात, ये बाइक किनको नहीं लेनी चाहिए आपके अकॉर्डिंगली?
बस जिनको नॉलेज है उसी को लेनी चाहिए, जिसको बाइक के थोड़ी टेक्निकल नॉलेज नहीं है अच्छा तो वो क्लच के बारे में समझ नहीं पाएंगे कि क्लच यूज कैसे करना है। बिल्कुल, क्लच का बहुत मेजर रोल रहता है बाइक के अंदर, थोड़ा उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कंपनी की तरफ से कह सकते हो इसको जैसे भी, मतलब जो भी अब जो बन चुकी है चीज वो बन चुकी है, वो तो कंपनी ने चीज ट्राई करनी थी, कंपनी ने देखना था कि क्लच में इशू ना नहीं आना नहीं चाहिए। वैसे तो इतना बड़ा इंजन है कि क्लच इतना इसका सॉफ्ट नहीं देना चाहिए था। हाँ, बस बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। हाँ, ये चीज है, ये कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग ही है इसकी ऐसे। अच्छा, पर अगर इसको ध्यान से आप चलाते हो, एक हाथ में चलती है बाइक, तो कभी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, बाकी ओवरऑल सर इतना था, बहुत अच्छा लगा आपके साथ शूट करके इंट्रूडर का। बाकी मैं उनसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उन्होंने 1,00,000 किलोमीटर चलाई है, प्लीज आप एक उनसे जरूर मिलवाइएगा, उनके साथ जरूर एक ऑनरशिप रिव्यू करेंगे इंट्रूडर का, क्योंकि मजा आता है ऐसे लोगों के साथ मिलने में जो किलोमीटर, क्योंकि आपने भी ऑलमोस्ट 32,000 चला दिया तो वो भी बहुत अच्छा फिगर है। सो बाकी मिलेंगे भैया नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बाइक के साथ कभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।